हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या इनको सॉल्व करने का इजी वे है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। यानी एक सॉलिड है हमारा जो दो एलिमेंट्स को मिलकर बना है, एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट को, जिसमें एक्स एलिमेंट के एटम जो है वो एफसीसी अरेंजमेंट में है। एफसीसी अरेंजमेंट यानी फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में, और वाई एटम्स जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है ऑक्टाहेड्रल साइट सारी की सारी और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, ठीक है। तो हमसे पूछा है इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला बताना है। तो आपको याद रखना है, हमें दो एलिमेंट दिए एक्स एंड वाई। बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एंट्रेंस की तैयारी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी बच्चे कर रहे होते हैं वो भी कई बार इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सिंपल है, इनसे डरना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एटम एक्स जो है वो एफसीसी अरेंजमेंट में है, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो इसका लैटिस पॉइंट कितना होगा, 4, ठीक है। अगर हम बात करें वाई के बारे में, तो वाई में बोला है कि वाई ने ऑक्यूपाई किया है ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड, यानी ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ठीक है। और अगर बात करें आगे की, तो उसने अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स को भी ऑक्यूपाई किया है। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइड्स, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ऑक्टाहेड्रल साइड्स के लिए हमने नोट डाल के लिखा था कि फॉर्मूला होता है n, वेयर n इज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। और टेट्राहेड्रल साइड्स के लिए क्या था फॉर्मूला, 2n। तो सबसे पहले हम यहां पर ऑक्टाहेड्रल साइड के लिए n की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू है 4। n की वैल्यू कहां से ले रहे हैं, ये जो हमें दिया हुआ है अरेंजमेंट, ऑलवेज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, कभी भी ऐसा नहीं होगा गिवन नहीं होगा, यहीं से आपको इसको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल साइड की, तो इसका फॉर्मूला 2n है, यानी 2 × 4 = 8। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला है अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर एक। तो यहां पर अल्टरनेट मैनर में क्या होगा, फिर 8/2 होगा ओवरऑल, 8/2 यानी 4। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स यानी एटम्स कितने हुए, ये 4 प्लस ये 4, 4 और 4 + 8, तो टोटल 8 हुए। इससे आपका एक फॉर्मूला क्या बनेगा, x4y8। और आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के बाद 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी xy2। तो आपका आंसर है xy2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन CCP, यानी ऑक्साइड आयन यानी O2 नेगेटिव आयन वो अरेंज है इन CCP। CCP यानी FCC को ही हम CCP भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग बोथ आर सेम, ओके। तो आपको याद रखना है, और ऑक्साइड आयन में CCP अरेंजमेंट यानी नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, 4 है। अब यहां पर उन्होंने दो चीजों की और बात की है, 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन ए, यानी कैटायन ए है और कैटायन ए ने ऑक्यूपाई कर रखा है 1/6 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी 2n, और कैटायन बी ने ऑक्यूपाई कर रखा है 1/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 1/3 पार्ट किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी n। तो O का फॉर्मूला तो 4 ही है, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 × 4 = 8। बी पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए 3 × n की वैल्यू 4, तो यानी आपका फॉर्मूला क्या हुआ, 4 और 3, यानी a 4/3
बी 4/3 और O2 नेगेटिव 4 यानी O4। सॉल्व करेंगे तो इजी है, ए देखो तीनों का 4 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और बी के नीचे जो 3 है वो क्रॉस में ओ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आएगा ए बी ओ 3। तो ये आ गया आपका आंसर ए बी ओ 3। बहुत इजी था, बस थोड़ा सोचना है। 4/3 4/3 4/1 सबका न्यूमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सबका 3 है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे सब कुछ हट जाएगा और आपका फॉर्मूला बनेगा एबीओ 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन एचसीपी। एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका लैटिस पॉइंट होता है, नंबर ऑफ लैटिस होते हैं 6, जैसे एफसीसी का 4 था ऐसी एचसीपी का 6 होता है, याद रखना है, जिसमें एचसीपी को ऑक्साइड आयंस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ऑक्साइड आयन यानी O2 नेगेटिव इन्होंने ऑक्यूपाई किया एचसीपी, यानी लैटिस पॉइंट होंगे आपके 6। और उसके बाद इन्होंने बोला है 2 out of every 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी 2 out of हर एक 3 में से जो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्यूपाई कर रखी है फेरिक आयन ने। फेरिक आयन का मतलब होता है Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव यानी 2 out of 3, ध्यान से देखिए 2 out of 3 का मतलब 2/3 ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, फेरिक आयन ने, और वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या होगा फॉर्मूला, एन। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 6, तो 3 1 3 3 2 6 2 2 4, यानी फॉर्मूला क्या हुआ, Fe4O6। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Fe2O3 आंसर। तो यानी आपका आंसर क्या आया, Fe2O3, 2 2 से काट दिया है, 2 2 4, 2 3 6। बहुत इजी था, याद रखना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म CCP लैटिस, है ना, ठीक है। यानी एलिमेंट वाई जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, CCP लैटिस से, यानी वाई आपका बिलोंग कर रहा है CCP, यानी पहले भी बताया FCC यानी लैटिस पॉइंट 4, और जो एलिमेंट एक्स है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2n, एन की वैल्यू पुट करिए यहां पर 2/3 × 2 × 4, तो 2/3 × 4 = 8, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 2 = 16/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 16/3, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, x 16/3 / 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 1 = 4 4 4 = 16, और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x 4 y 3। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जिसका आंसर है x 4 y 3। तो आज हमने देखा किस तरह से हम वॉइड्स के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, इस चैप्टर का। इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे जहां पर हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज का ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।